अपना ख्याल रखो, पाकिस्तान जाके रहो पाकिस्तान वालों, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान वालों को मेरी तरफ से बात दुआएं देना जो कहते हैं मैं आपकी सांस से ले लूंगा, वो बिलावल भट्टी के बारे में आपको कहेगा, वो भट्टी है मैं भुट्टो नहीं मानता, बिलावल भट्टी जो ना वो खुसरे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका, वेलकम खुश आमदी जी और मेरे चैनल पर आज के नए व्लॉग में। व्लॉग की शुरुआत तो हो गई है यार, एक हफ्ते बाद अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब भी कर लो यार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ठोक ठोक दो। सॉरी, सबसे पहले तो सॉरी सॉरी सॉरी, माजरत हूँ यार मैं आपसे शर्मिंदा हूँ कि एक हफ्ते बाद मैंने अपना ये मनहूस बूथी ले कर आपके सामने आ गया हूँ फिर से। हफ्ते बाद आपको एक बूथी दिखा रहा हूँ मैं यार, बस ना असल में सीन ये था कि व्लॉग जो है ना मैंने बनाने की वजह ये, मैं ना थोड़ा सा ना डिप्रेस जा हो गया था, बंदा ना डिप्रेशन का शिकार नहीं हो जाता वो हो गया था यार, कोई भी ना मुझे व्लॉग बना के मेरी लाइफ व्लागो व्लागी हो गई थी, यूट्यूब बन गई थी, जिधर जाता था मैं कोई भी चीज़ लेने के लिए मैं यूट्यूब की बातें करने लग जाता था, उसे अपना चैनल पूछने लग जाता, लाइक शेयर, मतलब ज़िंदगी यार ख़राब हो जाती है बंदे की। बात तो सही है, मैं उसे कहता मेरी वीडियो लाइक करो, ये कोई लाइव है बंदे की, ये खतरनाक कम, ये बस चवल हो गया था पूरा। मैंने सोचा यार थोड़ा सा ना मेरे को ब्रेक चाहिए है, तो साइकिल वाला ब्रेक नहीं वो रेस्ट चाहिए, बस वो रेस्ट रुस्ट किया अपन लोगों ने एक हफ्ता, अभी जो है ना माइंड बिल्कुल फ्रेश हो गया एकदम से तरोताज़ा। तो आपका भाई वापस फिर से अपनी पुरानी लाइफ में आ गया है व्लागों वाली। अभी जो है ना जी चूचियों का आपको हाल चाल मैं दिखा बता देता हूँ, चूचियाँ हमारे पास हैं भाई, पहला टाइम है कि इतनी देर हमारे पास चूचे जो है ना काट कूट गए हैं। तो व्लॉग जो है ना जी आज बड़ा मज़ेदार है, क्योंकि आज हमारे पिंड के एक भाई सदक भाई आए हुए हैं हमारे पास, जा रहे हैं ये मस्कत छोड़ के पाकिस्तान जा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं पैकिंग शैकिंग उन्होंने कर ली है, अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको मिलाऊँगा, वो नहा शहा रहे हैं, थोड़ी सी तैयारी कर रहे हैं, कर लेते हैं बाहर आते हैं उन्हें, वो अपना मुस्तकबिल बना के जा रहे हैं भाई, इधर से अपना फ्यूचर बना लिया उन्होंने, उन्हें पूछते हैं उन्हें फ्यूचर बना कर कैसा लगा इधर, उन्होंने तकरीबन 10 साल गुजारे हैं, बाकी देखते हैं छुट्टी जा रहे हैं, पके पके नहीं जा रहे, आ जाएंगे क्या करते हैं फिर हैं आपको बताते हैं। A few moments later. तो फाइनली जो है ना जी सामान समून हो गया है पैक शैक, वो आप देख सकते हैं सदक भाई आप देख रहे हैं ना, मिल तो ले मुझसे मिलेंगे ना तो आपसे भी मिलेंगे, ये मेरी आपकी तरफ से मिली है, मैं तो मिलता रहता हूँ, तो अभी आपको सदक आ जाए सदक भाई बैग बाहर रख लेना, फिर गाड़ी में आपको थोड़ी सी बातें शातें भी कराता हूँ, मेरे को नहीं चुकिया जाना है वहाँ बदनी जी, तो ये आप पकड़ लेना, ये पकड़ा ना, नहीं मैं थोड़ा सा ताला खोलता हूँ जाके गाड़ी का, फिर आपको लेके जाता हूँ जी। तो बाबे फाइनली जो है ना जी स्मार्टफोन सारा डिग्गी में सूट लिया है, अभी जो है ना चलते हैं सदक भाई को छोड़ने एयरपोर्ट पर, थोड़ी सी आपको नाले गपशप भी करवाते हैं सदक भाई के साथ, उसकी बात क्या करानी है सदक भाई का, घर से निकलने से दिल ही नहीं कर रहा, कभी ये जूती साफ, कभी मुंह बाल बस रहे हैं, कभी बालों पे शैम्पू लग रहा हो, तेल लगा के फिर कंघी शंघी हो रही है, असल में पिंड जा रहे हैं ना वो, फिर बंदे को चाह तो होता है ना खुशी से फूले नहीं समा रहे वो, तो मिलाता हूँ आपसे ना जी, आप सदक भाई को जी। तो सदक भाई ज़रा सा ना हमारे ऑडियंस को जो है ना जी बताएं इनको कि यार परदेश में बंदे की ज़िंदगी कैसी होती है, वो ऐसे नहीं ये तो बाद में आप कर ही दें, बताएं इन्हें ज़रा को, आप कितना अर्सा आपने इधर गुजारा है इन्हें बताएं ज़रा। हमको 8 साल हो गए हैं इधर, इधर 8 साल हो गए हैं, अच्छा तो अभी हम घर जा रहे हैं, क्या बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं कि अपने घर जा रहे हैं, अपने मुल्क जा रहे हैं, मुल्क पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह, और आप भी प्रदेश में अल्लाह पाक आपको भी अपने मान में रखे और अपने घर लेके जाए। सदक भाई ये नई ऑडियंस को बताएं ना, मेरे फैंस हैं मेरी तरह मुंडे शुंडे हैं, ये बाहर आके डालर शालर कमाना जाते हैं, इन्हें बताएं इधर कमाई सौखी है। इधर बहुत मुश्किल है लेकिन जो करे उसके लिए भी आसान है, लेकिन हाँ। प्रदेश प्रदेश होता है, अपना घर अपना घर होता है, अपना घर तो फोन आ गया कॉल आ गया, चले देख लें आप पहले जी। तो फाइनली पीछे आप देख सकते हैं जहाजू लगे हुए एयरपोर्ट पे पहुंच गए हैं, सदक भाई को हम करने लगे हैं भाई भाई टूट लें बैग निकाल रहे हैं एयरपोर्ट पे आ गए हैं, ये भाई इधर देख रहे हैं हर लाइन पे लगे हुए हर एंगल पे जहाज तकरीबन 5-7 जहाज इकट्ठे लगे हुए हैं, तो बड़ा एयरपोर्ट है मकसद का इनका। सदक भाई जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे इन देखने वालों की और आपकी और हमारी भी।
पाकिस्तान जाके रहो पाकिस्तान वालों, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान वालों को मेरी तरफ से बात दुआएं देना। जी तो भाभी आपका भाई जो है ना जी, आपने देखा है सद्दा भाई को हम छोड़ आए एयरपोर्ट पर। अभी जो है ना जी सीन ये है कि हमारे को आ गया अचानक ही लोड, वहाँ अचानक नहीं, मैं आज अचानक चला गया हूँ लोड पर। लोड जो है ना जी लंबा है ना, तो उस वहाँ जाने के लिए कैपेसिटी वाले बंदे की ज़रूरत थी। मैं और नुमान भाई जो है ना जी निकल पड़े हैं लोड लेकर। लोड यहाँ जी मस्कत से मसीरे जाना है हमने। हाँ जी मसीरा आइसलैंड। जी जी आइसलैंड का मतलब आपको पता ना जी, समंदर के बीच है भाई एकदम। वो जो है ना जी होते हैं ना जो बीच होते हैं वैसा है। वहाँ पर हमने शिप पर भी बैठना जाके, उधर जा रहे हैं। मसीरा इधर से तकरीबन है जी 500 किलोमीटर, यानी कि 500 किलोमीटर हमने जाना है और 500 किलोमीटर वापस भी आना है। 1000 किलोमीटर सफ़र तय करना है। अब ये देखते हैं एक दिन में होता है कि दो दिन में होता है, क्या सीन हो गया रास्ते में, क्या क्या सिचुएशनें होंगी हमारे साथ, सब कुछ आपके साथ शेयर करना है यार। बस आप लोगों ने क्या करना है कि मैं जो है ना जी थोड़ी सी ना जी वीडियो मेरे पास काफ़ी पुराने दिन की पड़ी हुई थी, मैंने जो व्लॉग मैं बना रहा था मैंने छोड़ दिया था, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अभी वो वीडियो आप देखें, उसके बाद होगा व्लॉग, ये वाला एंड हो जाएगा। तो बाकी जो मसीरे का सफ़र है आपको अगले नए व्लॉग में मिलेगा। तो तब तक अपना रखिएगा ख्याल। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़। जो है ना जी सीन ये है कि भाई साहब हमारे टैंकर का टायर खराब शराब हो गए हैं। वो टैंकर का टायर हम लोग चेंज करवाने के लिए आए हैं। आप लोग देख सकते हैं टायर उतार लिए गए थे, अभी टायर लगा दिए गए हैं, अभी वो फिट कर रहे हैं भाई साहब। ये हमारे वो इनका नहीं वीडियो बनाना, आपका नहीं करा ली बेइज्जती, नहीं बनाएंगे इस तरह। हम बनाएंगे अपना टैंकर का बनाएंगे, अपना टेंशन नहीं लेना। तो अभी जो है ना जी फिटिंग शिटिंग हो रही है हमारे टायरों की, टायर फिट कर लेते हैं। आपको दिखाते हैं ये शॉप जी, ये वाली शॉप है भाई जा, क्या जो भी नाम है इसका, बड़ी अच्छी शॉप है। इधर से आप आएँ टायर शायर पड़वाएँ आपको बड़े महंगे ओ सस्ते में मिलेंगे यार, बड़े अच्छे लोग काम करते हैं। बाकी जो है ना जी इधर से टायर शायर चेंज करवाते हैं और चेंज करवा के जो है ना जी निकलते हैं हम लोग। मैं भी आपको एक बंदा दिखाता हूँ जो है वैसे मतलब मलवारी है और लेकिन वो पंजाबी बना हुआ है, सिख यानी कि बना हुआ है, मतलब उसको सिख हो रहे कितने को पसंद है। तो वो आप सामने देख सकते हैं, वो ग्रीन ग्रीन शर्ट वाला ऊपर है, मलवारी है लेकिन सिख सिख बना हुआ है। मतलब कैसा बंदा है यार, अपना कल्चर इसने बदल लिया। बाकी लोगों को सीन दिखाता हूँ, बड़ी टायर के अंदर पाइप व्हील कैसे फिट होता है, ये देखना आप लोग, ये देखें आप लोग, बड़ा आसान सा तरीका यार। अभी थोड़ा सा डोर लगेगा, आप लोग भी घर में कर सकते हैं अपने नाचा को सर्व जाके कहीं परवाह ना लेना है, तो इसके लिए बड़ी प्रैक्टिस चाहिए। तो फाइनली हमारी गाड़ी जो है ना ये बन गड्डी शड्डी हो गई है, टायर शायर जो है ना बन बन गया। अभी मैं यहाँ से निकलने लगा था तो मेरा एक फैन मुझे मिल गया, उसने मेरे को ये देखें एक हबीदा के जो है ना ये गिफ्ट कर दिया, ये देख सकते हैं आप लोग। ये अभी जो है ना जी मैं लेकर निकलूँगा नहीं वैसे, मतलब जिसका हबीदा कैब वो आ गया पैसे। बाकी मैं वैसे देख रहा था वीडियो बना रहा था, मैं कौन सा ऊपर जा रहा था, कोई बात नहीं है। वो चाचू के अभी बैक है, वो मलवारी नहीं है और भी वही है, चिपेड़े मारनी है उसने मुझे। बाकी अभी हम इधर से निकलते हैं, कोई टेंशन नहीं लेने का। वीडियो वो एक तस्वीर खींच लेते हैं भाई, मौसम कह रहे हैं मैं परमिशन ले देता हूँ। नो प्रॉब्लम नहीं तो ना इसे गाल है मरा गया टेंट कटी है ठीक है बड़ा तो आगे टैग ले के आया। टायर ओके हो गए हैं, बिल शिल पकड़ लिया, अभी जो है ना जी निकलते हैं इधर से हैं। मैंने 13 जमात की है, मेरे उस्ताद आप मानते हैं ना, तो जाओ पाकिस्तान में तालीम पूरा करो फिर इधर आओ। पाकिस्तान में जाके तालीम पूरा करके क्या मिलेगा मेरे को? ओ कुछ भी मिलेगा, तो नवाज शरीफ की पार्टी में पास जाओ, वो पूरा चोर है उसके पास चोरी करो। नहीं मैं चोरी करना इधर करो उधर करो, ये परवेज इलाही इलाके के तो मुझे मालूम है, लेकिन ऐसा काम मत करो। लेकिन
लेकिन वो मेरे को लेगा नहीं, वो बोलेगा तुम पठान लगता है, तुम खान की टीम में जाओ, उधर जाके करो जो अभी खान के लिए तो उन्होंने वारंट भी निकाल दिया वो। उसमें क्या हो गया, वो खान भाई को पकड़ के ले जाएंगे आप कभी? ये अभी नहीं, ये रोज मैं खुदा से मानता हूँ ये पकड़ेगा नहीं, पकड़ा जाएगा खान भाई पकड़ेगा नहीं, नहीं पकड़ा नहीं पकड़ेगा। खान भाई के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, वो अच्छे बंदे? खान भाई तो अच्छे बंदे है, लेकिन मौलाना फजल रहमान पूरा डीजल है, पूरा डीजल है, पूरा पूरा। मैंने देखा उसमें थोड़ा थोड़ा पेट्रोल का भी वो है, वो नहीं पेट्रोल नहीं है, थोड़ा थोड़ा वो फुल डीजल ही है, फुल डीजल है, फुल खुशबू भी नहीं है उसका। ये अभी फजल रहमान आपको देखेगा, वो आपको पकड़ के ले जाएगा, वो बोलेगा फकीर आदमी की तरह उसको मैं छोड़ेगा नहीं। फजल रहमान का हाथ भी पूरा कुल्ला हो जाएगा, फिर भी मेरा कुछ भी नहीं करेगा, कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। फकीर उस्ताद जिंदाबाद, फकीर उस्ताद जिंदाबाद। अच्छा तो वो नवाज शरीफ जो है वो तो खुद घुस के बैठा हुआ है, वो तो पूरा खानदान चोर है, पूरा खानदान, पूरा खानदान चोर है। वो कह रहा है शुगर मिल हमारी, शुगर मिल उसका है, लेकिन ये पठान ये सारा आवाम का पैसे है, आवाम का पैसा है। आपका कितना लेके गए वो, क्या आपसे वो पैसा कितना लेके, क्या पैसा पैसा आप बोल रहे ना, ये सब सब आवाम का पैसे है। और उसने पूरा खाए, पूरा खा गया हाँ वो गंजा लोग, गंजा। तो ये जो आया हुआ वो अभी जो कहता है मैं आपकी सांस से ले लूंगा, वो बिलावल भट्टी के बारे में आपको कहेगा, वो भट्टी है, मैं भुट्टो नहीं मानता। बिलावल भट्टी जो ना वो हंस रहे वो बंदा नहीं है वो पूरा फकीर उस्ताद आपको देखेगा, वो आपको मारेगा बड़ा। बस खाली बोली बस।